दिन मैं आपका होस्ट आबिद अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सरजानी टाउन पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सईद अहमद बेग साहब के साथ, जी इनसे मालूमात करते हैं कि माशिया हालात के हवाले से क्या तासुरात चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समाजी कारकुन सईद अहमद बेग। गुज़िश्ता जो दिनों में फ़लस्तीन की जो इस टाइम पे कंडीशन हुई हुई है, जो वहाँ पर बमबारी के बाद जो फ़लस्तीनियों के जख्मियों की तादाद, जहाँ बाबियों की तादाद, मासूम बच्चे, बूढ़े, खवातीन जो इस टाइम पे अजियत की दो चार है, वहाँ पे मेडिसन इस टाइम पे जो वहाँ पे अगर देखा जाए गज़वा के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल अलशफा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन वहाँ नहीं है, मेडिसिन भी कम है। जितनी तादाद के अंदर वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉक्टरों की कमी है। ज़मीन के ऊपर जो है वो वहाँ पे पेशेंट मरीज़ों को लिटाया जा रहा है, जिनके ऊपर जो है जख्मी हैं और दूसरे दिगर जो भी उनके साथ हादसा हुए हैं, उनको जो डॉक्टर की जो मेडिकल वगैरह है वो नहीं प्रोवाइड हो रही है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को अपील करता हूँ कि खुदारा इंसानियत को देखें और इनके लिए जो मेडिसिन का, और इस टाइम पर अगर मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि गज़वा की हालत इस टाइम पर ये हुई हुई है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी है। वहाँ पे पानी की वसाइल नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे खुराक नहीं है। मैं जो हमारे 57 इस्लामी जो कंट्रियाँ हैं, जो है ना NOC जो बनाई थी, जो कमेटी बनाई है और तंजीम बनाई थी, वो क्या कर रही है? इतनी मुसलमान ममालिक अगर देखा जाए तो एक ताकतवर तरीन पूरी दुनिया के अंदर इनकी करेंसी, इनकी माशियत, हर चीज़ के अंदर ये इस स्टेप पे स्ट्रॉन्ग है और ये खामोश सारे के सारे बैठे हैं। और मैं तुर्की और ईरान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने, और यमन जो ये इस स्टेप पे उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि ये अकेले नहीं है, फ़लस्तीनी हम इनके साथ हैं, हम एक दूसरे मुसलमान भाई हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा पाकिस्तान मुल्क के, कि इस टाइम पर ये खामोशी क्यों है। चेयरमैन साहब, आप ज़रा बताइए पाक अमन वेलफेयर के हवाले से जो आपने यहाँ पर इकदाम किए और जिस तरह से गरीबों का आप साथ देते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं यहाँ पर आके रोज़ी मिल जाती है उनको, जो यहाँ पर मजबूर होते हैं यहाँ पर आके आप उनकी मदद करते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा नाज़रीन को। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया निशान है कि अव्वल तरीन इबादत जो है वो खिदमत करती है, इंसानियत की खिदमत करना बिला रंग व नसल। तो उस जो है वो मिशन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों की खिदमतें जहाँ तक हो सके मैं डोनेट नहीं लेता हूँ। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से दे दे वो एक अलग बात है, तकाजा मैं अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह मैं तेरे मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा कर ताकि ये खिदमत, क्योंकि इंसान को मरने के बाद सबसे जो उसकी बख्शिश का ज़रिया होगा वो उसके अमल होंगे। मैं इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अपने अमल को बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत है, जिसके अंदर अभी मैंने एक जो है नया एक सिस्टम जो है ऑन किया है कि आसान रोज़गार स्कीम तारीफ करा रहा हूँ मैं आपको, कि लोगों को आसान रोज़गार दिया जाए, जिनको जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनको ठेले प्रोवाइड किए हमने, माजी में भी किए, जो खवातीन जो हैं उस टाइम पे माशी तौर पे परेशान हैं तो उनके लिए सिलाई मशीनें और कैबिन वगैरह और दीगर जो भी, यानी कि किसी को ठेले दे रहा हूँ, किसी को कैबिन दे रहा हूँ, किसी को किस तरह रोज़गार के ऊपर, हमने ये एक मिशन शुरू कर दिया कि लोगों को मच्छी नहीं दो, मच्छी पकड़ना सिखाओ, रोज़गार प्रोवाइड करो। तो हमें रोज़गार के लिए एक सिलसिला हमारा जारी है और इंशाल्लाह ताला ये ऐसा सिलसिला होगा कि अगर ये तमाम NGOs ये काम करना, जो कुछ NGOs कर भी रही हैं और मज़ीद NGOs भी ये काम करें कि लोगों को राशन नहीं दो, राशन को के ज़रिया बनाओ कि वो खुद राशन प्रोवाइड कर सकें। देखें, बात यह है कि इस दौर के अंदर किसी बहन भाई बेटी की शादी कराना एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो पाक अमन वेलफेयर ये माजी में भी काम करती हुई आ रही है और अभी भी हमने जो है वो ऐलान किया है कि तकरीबन 15 से 20 बच्चियों की इज्तिमाई शादी इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो कई जो है वो वेलफेयर हमारे साथ हैं, जो हमारा साथ दे रही हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। तो ये हमारी काविशें हैं कि जो बच्चियों के घरों में बैठ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किस वजह से, कि उनके पास जहेज़ नहीं है, उनके पास फर्नीचर नहीं है, उनके पास खाने का, उनके लिए शादी हाल, ये सब चीज़ जो है उनकी पोज से दूर है। तो अगर आप इस दौर के अंदर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि ऐसा दौर आ जाएगा कि जो है वो रोटी जो है वो महंगी हो जाएगी, रोटी यानी कि रोज़गार जो है वो इंसान से दूर हो जाएगा और फाहिशी आम हो जाएगी, इस दौर के अंदर जिना करना आसान है, शादी करना मुश्किल है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शादी का एक सिस्टम चलाया कि हम उन बच्चियों की शादी कराई जाए, उसके लिए जो है वो हमने एक इंशाल्लाह ताला तकरीबन 15 से 20 बच्चियों को अवेलेबल किया,
वो बच्चे हैं जिनके वालदेन नहीं थे या उनके वालदेन बीमार थे या जो हैं वो जो एक बात है बेरोज़गार थे या बेचारी किरायों पे है या उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम था, उनके लिए हमने एक सिस्टम चालू किया कि हमने उन बच्चियों की शादी उनको अपने घर के जो है वो अपने जो है वो असल घर जो होता है वो शोर का घर होता है वो वहाँ तक हमने पहुँचाने का इंतज़ाम करा, कम्प्लीट इंतज़ाम जिसके अंदर जो है वो निकाह और उसके अलावा जो है वो जहेज है, फर्नीचर है, खाना है, शादी हाल है, जो भी यानी कि मेन मेन जो जो भारी मामला होते हैं जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता रकम के हिसाब से, वो हमने सब प्रोवाइड करके ये ऐलान किया है कि इंशाल्लाह ताला उनकी बच्चियों की शादी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अपने घरों में जाएं और जो है वो जो है एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और हमें दुआ करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अमन वेलफेयर के हवाले से जो फैक्ट्री का इंतखाब किया गया है, जो स्कूल का इंतखाब किया गया है, तो हम उस जगह पर मौजूद हैं जो ज़ेर तामीर है। तो जनाब सईद अहमद बेग साहब ने जो हमें बताया गया था इंटरव्यू में, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री का जो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर फैक्ट्री का इंतकाब किया था, और ये फैक्ट्री ज़ेर तामीर है और जो गरीबों के लिए बनाई गई है और स्कूल के लिए भी यहाँ पर किया गया है। स्कूल भी हमारे साथ यहाँ पर क्लासेस वगैरह ज़ेर तामीर हो रही हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जिस तरह से क्लासेस वगैरह का जो सिस्टम चलाया है, जिस तरह से ये क्लासेस बनी हुई हैं गरीब लोगों के लिए, जो पाक अमन वेलफेयर के हवाले से जो स्कूल की तामीरात का काम हो रहा है वो काम यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह से देख रहे हैं आप खुद फैक्ट्री का भी काम यहाँ पर हो रहा है, दोनों काम यकमुश्त हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर काम हो जाएंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ कराची, कैमरामैन आसिफ के साथ आबिद अलीन, कराची।